नमस्कार, स्वागत है आज के हमारे प्रोग्राम टी बीपीएससी पीटी इन शॉर्ट्स में। आज हम आपके लिए इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। हमारा टॉपिक जो है आज का, वो है यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बारे में। तो हम लोग जानेंगे यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ चर्चा में क्यों रहा, इसके सदस्य देश के बारे में और इसका लोकेशन के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों रहा। तो हम लोग देखते हैं कि भारत के साथ यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का अभी हाल में एक आर्थिक भागीदारी के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को बढ़ावा देगा। इसके अलावा हम लोग ये भी देखते हैं कि EFTA द्वारा भारत में 100 अरब डॉलर का निवेश की प्रतिबद्धता जताई गई है अगले 15 वर्षों में। तो अब हम लोग आगे देखते हैं EFTA क्या है। तो EFTA के बारे में हम लोग ये समझते हैं कि ये एक चार देशों का अंतर सरकारी संगठन है, जिसके सदस्य देशों में हम लोग देखते हैं आइसलैंड, लिंकेस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड है। हमें ये ध्यान रखना है कि ये चारों देश EU यानी यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है। अगर इनकी स्थापना की बात करें तो 1960 में स्टॉकहोम कन्वेंशन के द्वारा इसकी स्थापना हुई है। आगे ये भी हम लोग जाने कि इसका उद्देश्य जो है आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना है आपस के चारों देशों में, साथ में विश्व में व्यापार को आगे बढ़ाना है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है भारत और EFTA के बीच के संबंध को समझना। तो हम लोग देखते हैं कि भारत EFTA का पांचवा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, और अभी 2022-23 में हम लोग ये भी देखते हैं कि इन दोनों का द्विपक्षीय व्यापार 18.65 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। अगर हम EFTA के सदस्य देशों में व्यापार की स्थिति देखें तो हम लोग देखते हैं कि स्विट्जरलैंड भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है EFTA देशों में, इसके बाद नॉर्वे का स्थान आता है। नेक्स्ट एक महत्वपूर्ण हो जाता है लोकेशन को समझना EFTA सदस्य देशों का। तो इसके लोकेशन पर भी एक बार हम लोग नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले ऊपर देखिए आइसलैंड है जो EFTA का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। इसके अलावा आगे आप जो बढ़िएगा तो नॉर्वे आपको देखने को मिलेगा, नॉर्वे भी EFTA का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। उसके बाद आप ध्यान दीजिए यहाँ पे स्विट्जरलैंड, यहाँ पे इसका लोकेशन है जो आपको EFTA का सदस्य है। इसके साथ ही आपको लिंकेस्टीन को भी लोकेशन को जो भी समझना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये अभी चर्चा में है EFTA, तो आपको लिंकेस्टीन के लोकेशन को भी ध्यान में रखना है। तो ये जो आपको ऑस्ट्रिया स्विट्जरलैंड के बीच में एक जगह है, ये लैंडलॉक्ड कंट्री है लिंकेस्टीन, ये भी आपको याद रखना है। तो ये हम लोग लोकेशन को भी समझे EFTA के सदस्य देशों के बारे में। आगे हम इसी तरह से आपके लिए महत्वपूर्ण जो परीक्षा के दृष्टिकोण से वीडियो है वो लाते रहेंगे। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद।